जैसे कृष्ण जय माता जी की आप देख सकते हो, हमने अरवी के पान लिए हैं। अरवी के पान को हमने ऐसे बारीक बारीक कट कर दिया है, हमने 3 पान कट किया है। और या ऐसे पान आते हैं, वो पान लिया था अरवी के, बहुत ही बढ़िया एकदम फ्रेश पान थे, तो हमने 3 पान ऐसे कट कर दिया। अरविंद के पान का नया नाश्ता बनाएंगे, साउथ इंडियन नाश्ता है, बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्टी होता है, फटाफट बन जाता है। चलो बनाने का तरीका शुरू करते हैं। हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, आधी कटोरी चावल का आटा, अरवी के पान, हरी मिर्च 2 चम्मच, 2 चम्मच हरा धनिया कूटा हुआ, लहसुन 1 चम्मच, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्ची 1 चम्मच, एक चुटकी अजवाइन अच्छे से मिला देंगे। पानी डालेंगे थोड़ा, अच्छे से मिला देंगे। हम इसे अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा 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 पानी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। जैसे ढोकले का बनता है ऐसा ही बनाना है हमें खीरा। हमने एक स्टीमर लिया है, पानी गर्म रखेंगे, इसमें रख दिया है पानी, कटोरी में तेल लगा दिया थोड़ा थोड़ा, और हम कटोरी में ऐसे थोड़ा थोड़ा रख देंगे। आधे से थोड़ा कम हम सारी कटोरी में अंदर भर देंगे, एक भरे जैसा। हमारी पूरी कटोरी भर के रेडी हो गई है, देख सकते हो। और साथ में हमने एक ये डिश ले लिया है, थोड़ा बच्चा था इसीलिए, तो डिश बनाएंगे। छोटा पांचा है, वो बोल रहा है मैं चौरस पीस खाऊंगा, तो उसको कट करके बना देंगे हम। और ये बहुत ही बढ़िया कटोरी भर गई है, और पानी भी हमारा गर्म हो गया है, तो रख देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है और हम कटोरी रख रहे हैं। ऐसे कटोरी रख दिया है, प्लेट रख देंगे कटोरी के ऊपर, एक प्लेट रख देंगे और हम ढक्कन बंद कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया पक्के रेडी हो गया है, तुम देख सकते हो। ऐसे चमची निकालेंगे तो ये देखो एकदम रेडी हो गया। गैस बंद कर देंगे और ये प्लेट बाहर निकाल देंगे। हमने ये बाहर निकाल के रख दिया है, 2 मिनट ठंडा पड़ने देंगे, इसके बाद हम पूरा निकाल देंगे, फिर सेलो फ्राई करेंगे। हम ये इसको कट कर लेंगे। ये भांजे भाई का चौरस रेडी, सबसे एकदम आसानी से निकल जा रहा है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। ठंडा पड़ जाएगा तो एकदम आसानी से निकल जाता है। हम बनाएंगे अब सेलो फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम रखा है, तेल हमारा गरम हो रहा है,
और हम तिल के अंदर चलो फ्राई करेंगे, इसे 5-5 रखेंगे, अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने देंगे। बोल बस ऐसे घुमाएंगे दोनों तरफ से, हमें घुमा घुमा के सेकना है, क्रिस्पी बनाना है एकदम बढ़िया था। तो ये चाय के साथ खाने वाले बहुत ही बढ़िया लगता है, चाय के साथ बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है। दोनों तरफ से हमने घुमा घुमा के एकदम बढ़िया सा सेक के रेडी कर दिया है। हमारा साउथ इंडियन नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया है, अड़वी के पान का नया नाश्ता बहुत ही बढ़िया, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, हम वैसे तो चाय के साथ खाने वाले हैं, हमारी चाय भी रेडी हो गई है, हम चाय के साथ खाने वाले हैं। आप चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ भी खा सकते हो, हमारी बहुत ही बढ़िया डिश रेडी हो गई, एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। मित्रों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हम रोज़ रोज़ नया नया खाना लेके आएंगे। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों, सी यू।